गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टार एजुकेशनल आप सभी के लिए एक शानदार जो कोर्स का अंदाज लेकर आया है। ये कोर्स आप सभी के लिए आईटीबीपी की जो तैयारी कर रहे हैं, आईटीबीपी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों को कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। उनके लिए जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स लॉन्च करें, किसी भी विद्यार्थी को ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। और आईटीबीपी का एग्ज़ाम डेट, मॉडल पेपर सेट, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हमारी टीम आने नहीं देगी और आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो सिलेबस परिवर्तन हुआ है, उस सिलेबस परिवर्तन के आधार पर हम आपको क्या दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल टेस्ट दे रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज हम बात करेंगे 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आईटीबीपी ट्रेडमैन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली से कोलकाता कब हस्तांतरण की गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है 1911। 1911 से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, काम का अधिकार। काम का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का प्रशिक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर इज प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब पेट, कोई मानव शरीर के अंदर पेट के ऊपर जांच करते हैं, आपको पता है जैसे हम सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं, तो पेट के ऊपर जो कुछ जेल लगाया जाता है और फिर जेल के माध्यम से जो मशीन है वो रखी जाती है और अपने पेट के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का है। प्रथम संविधान किसने लिखा था? अमेरिका ने। किसने लिखा? अमेरिका। सबसे लिखित संविधान पूछे आपको कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? लिखित संविधान भारत का है। किसका है दोस्तों? लिखित संविधान पूछे तो किसका है? भारत का है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, सर्वेंट ऑफ द पीपुल, पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर, और प्रथम युद्ध पूछे आपको तो 1526, और द्वितीय युद्ध पूछे 1556। यस, दोनों। पानीपत है कहाँ है? तो ये हरियाणा के अंदर है। कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हरियाणा की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथकली किस प्रदेश का नृत्य नाटिका? कथकली आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। दोस्तों, बात करें कथकली है वो आपकी केरल राज्य की। केरल की राजधानी कौन सी है? कोच्चि है। कौन सी है? कोच्चि। यस, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। कौन सी है? बेंगलुरु। और इसकी कौन सी राजधानी है? चेन्नई। कौन सी राजधानी? चेन्नई। किसकी? तमिलनाडु की, चेन्नई। गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की है? इसका राइट आंसर से मैत्रक, क्या है? मैत्रक वंश के द्वारा। किसके द्वारा? मैत्रक वंश के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है तो दोस्तों डब्ल्यू सी बैनर्जी बने। कौन बने? डब्ल्यू सी बैनर्जी। दोस्तों, अगर आप हमारे से जो कोर्स हैं वो कोर्स की पूरी संपूर्ण जानकारी, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको 50 टेस्ट मिलेंगे। कितने टेस्ट? और 100 प्लस पीडीएफ।
ये चीज़ें हम आपको देंगे। और टॉपिक्स वाइज, टॉपिक प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग, टॉपिक्स वाइज अलग अलग MCQs देंगे। और दोस्तों हम आपको वीडियो भी देंगे। क्या देंगे? वीडियो। ये हमारा ITBP का कोर्स है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो दोस्तों आप हमें कॉल कीजिए, बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, सर मुझे ITBP का कोर्स करना है। इस कोर्स में मैं आपको बता देता हूँ जो आपका एग्ज़ाम्स होगा, क्या होगा एग्ज़ाम्स में 80% प्रश्न, कितने 80% प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, 80%। और दोस्तों और हमने जो अभी जो ये कोर्स, उसके बाद अगर 90% के ऊपर भी चांस होते हैं कि भैया 80 से 90% की गारंटी होती है, हम गारंटी बैच लेते हैं, गारंटी लेते हैं। और 100% सेफ स्कोर होता है, आप एग्ज़ाम के अंदर पास होने की गारंटी लेते हैं। अगर ये चाहिए आपको, PDF है, MCQ जो टेस्ट है, 100 PDF है, टॉपिक्स वाइज PDF वगैरह है, तो मुझे कमेंट्स जरूर करें। ये आपका जो 1499 रुपये का है, आपको कुछ नहीं करना, हमारा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर पूरा पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी पढ़ाई होगी, वीडियो वहीं आएंगे, PDF वहीं आएंगे, टेस्ट वहीं आएंगे, सभी आपके होने वाले हैं। तो मुझे कमेंट्स जरूर करें फ्रेंड्स, या फिर आप जो हमारे नंबर हैं इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मुझे इस प्रकार की PDF नोट्स वगैरह चाहिए। तो चलिए 1499 है, ये अभी जो आपका लगभग 50% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों प्रत्येक छः वर्षों के बाद में राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है। और ये सदन कैसा है? उच्च सदन है। कौन सा सदन है? उच्च सभा कह सकते हैं, उच्च सदन भी कह सकते हैं, ये बहुत बार पूछा गया। अगर आपसे पूछे निम्न सदन कौन सा है, तो दोस्तों लोकसभा। कौन सी सभा? लोकसभा। भारत भारती का लेखक कौन? भारत भारती के लेखक कौन है? यस राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। क्या है? मैथिली शरण गुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर है। परमाणु विस्फोट में व्रत गात्राक में ऊर्जा का उत्सर्जन करने के लिए रूपांतरण कारण क्या होता है? जब विस्फोट होता है, विस्फोट के अंदर क्या उसके अंदर ऊर्जा संशोधित होती है, तो वो कौन सी होती है? नाभिक की ऊर्जा का उष्मा होता है। नाभिक की ऊर्जा के अंदर क्या होती है? उष्मीयता होती है। इसके कारण विस्फोट बहुत खतरनाक विस्फोट होता है। क्या होता है? बहुत खतरनाक विस्फोट होता है। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट की कृति इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं पूछा है कौन सी नहीं है। यस हरिश्चरित्र, कादम्बरी, पार्वती प्रण, ये नहीं है आपकी, जो ऑप्शन नंबर है ना 4, ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर है चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। खगोलीय पिंड का संबंध किस ज्ञान में कहते हैं? इसका राइट आंसर है एंटोनोलॉजी, एंड्रोलॉजी। क्या है? एंड्रोनोमी। यस ये हम बिल्कुल ज्ञान की वर्धन की होती है, एंट्रोलॉजी, एक्स्ट्रोमोलॉजी, एग्रोमोलॉजी, इसमें अध्ययन किया जाता है। भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो राइट आंसर सरोजिनी नायडू। और अगर आप CM पूछे तो CM कौन बनी? सुरुचित्रा कल्पनी। ये दोनों किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बोले तो UP। क्या बोले? UP। यस। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कोलकाता में कब खुला था? 1818 के अंदर खुला, कट 1818 के अंदर खोला गया था। कीमतें प्राय कम होती है, जब कीमतें कम होती है जिसमें क्या होती है? आर्थिक मंदी की समस्या रहती। क्या रहती है? आर्थिक मंदी की समस्या रहती। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं। UNO के प्रथम महासचिव के बारे में पूछा गया, और UNO के प्रथम महासचिव कौन है? ट्रिगवेली। कौन है? ट्रिगवेली है। दोस्तों UNO का मुख्यालय कहाँ है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, यानी इसका हेडक्वार्टर क्या है।
दोस्तों हम 50% छूट के माध्यम से आपको कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपको कोर्स चाहिए तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों गारंटी है आपका स्कोर बेहतरीन स्कोर बनाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।